तो आप पूछिए अभी अभी जो सीज फायर हुआ है, आपको क्या लगता है कितनी देर ये होल्ड करेगा ये सीज फायर? कौन अभी पाकिस्तान जो के साथ, सीज या पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान, सीज फायर, हाँ तो ये देखिए होल्ड करेगा। बेसिक क्या है कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ने क्या किया था कि पिछले 2-3 साल पहले उसने 1 लाख तोप के गोले खरीदे। तो तोप का गोला ऐसा नहीं होता, 10-20 हज़ार का तो कम से कम होगा, बल्कि ज्यादा होगा, उसके पास पैसे नहीं। तो वो गोले चलाते थे पाकिस्तान 1, हम चलाते थे 10, क्योंकि हमारे अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान भी किया हमने। तो पाकिस्तान के पास ना तो गोले चलाने को है, ना उनके पास गोलियां बनती हैं। हमारे यहाँ गोलियां भी बननी, हमारे यहाँ भी नहीं बनती थी, हमारे यहाँ गोलियां बननी हो गई, गोले बनने शुरू हो गए, टैंक बनने शुरू हो गए, अब तेजस भी बाहर आ रहे हैं, फिर हमारे और भी डेवलपमेंट चल रही है बाकी। और तो बेसिक क्या है कि सीज फायर तो पाकिस्तान को, तो हम क्या है कि हम अपने यहाँ के लोगों के लिए केयर करते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई मरेगा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख, तो हमें दुख होता है। पाकिस्तान के साथ मर जाए तो कोई मतलब नहीं, उनको तो दफनाना भी नहीं पड़ता, गड्ढा खोदेंगे वही फेंक देंगे, तो उनके अंदर वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को मार पड़ती है। जब क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे इंसिडेंट हुई हैं कि पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमारे सोल्जर्स इवन कांग्रेस के टाइम में चुपचाप जाते थे वहां के, उनको डिस्ट्रॉय करके आते, तो उनको भागने की जगह नहीं मिलती। ये सिर्फ जो है ना इनकी आर्मी, अब देखिए अगर हम 90 हज़ार की या 93 हज़ार की उनकी आर्मी को पकड़ सकते हैं, बुरफा साहब ने बताया जो पाकिस्तान से आए थे, कि उनके लोगों ने अपने आर्म्स भी दिए, साथ में अपने पजामे भी उतार के चले गए, पेंटे भी उतार के चले गए। तो बेसिकली इनको होल्ड करना कोई इंडिया के लिए बड़ी बात नहीं है, तो पाकिस्तान को अपना बचाव करना है। लेकिन वो कर रहा है पीस, तो हम कहते हैं आ जाओ पीस करो, अच्छी बात है। तो होल्ड नहीं करेगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं करता। पाकिस्तान अब हमारे लिए कोई एंटिटी नहीं है, कोई उसको मिलिट्रीली कोई पावर नहीं। 71 के बाद खत्म हो गई थी, अब चाइना को कन्फ्रंट करने के बाद पाकिस्तान के हिसाब से टोटल डिफंक्ट हो चुका हमारे लिए, दे हैव नो मीनिंग फॉर अस। So do you think because of the withdrawal of Pakistan has made this new offer because of China? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पहले सोचता था कि चाइना हमारे साथ खड़ा हो, चाइना अभी उनको सपोर्ट करता था। अब बेसिकली अगर चाइना, क्योंकि इंटरनली सबको पता है कि पाकिस्तान की डिफीट हुई है, चाइना की डिफीट हुई है, अब वो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान चाइना की तरफ क्या देखेगा? आम जरूर लेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, हमारी नेवी, हमारी आर्मी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए विक्ट्री है। फिर हमारे पास तब आप देख रहे हैं पिछले 2-4 साल के अंदर हमारे पास अब रफाल्स भी आ गए, हमारे पास तोपें भी आ रही हैं, फिर हमारा साउथ कोरिया से भी इक्विपमेंट ले रहे हैं। पहले हम लेते थे एक रशिया से, उसके बाद हमने फ्रांस की तरफ गए, उसके बाद हम इसराइल की तरफ गए, फिर अमेरिका की तरफ गए, अब उसके बाद हम चले गए साउथ कोरिया की तरफ। हमको जहां से भी कोई सामान चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, बेस्ट हम लेते हैं आजकल। कमीशन लेने का चक्कर खत्म हो गया, वो चलता था राजीव गांधी के टाइम में, फिर मनमोहन सिंह के टाइम में। लेकिन मनमोहन सिंह के टाइम में कमीशन का इसलिए चक्कर नहीं चला क्योंकि आज जितनी भी वहाँ कंपनीज है उनका प्राइवेट गवर्नमेंट का हाथ होता है। तो हमारे यहाँ भी बड़ी प्राइवेटाइजेशन चल रही है, टाटा जो है वो चीजें बना रहा है, और अभी भी आप देखिए और प्लेन्स आएंगे। तो हम एक बड़े स्ट्रांग पोजिशन में आते जा रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान, जब आप डिफीटेड आदमी के साथ बेसिकली कितनी देर को खड़ा रहेगा, तो पाकिस्तान को जरूरी लगा कि इंडिया के साथ मिलकर रहें, क्योंकि चाइना अब डिफंक्ट। पहले चाइना ये कहता था कि अगर हम जाएगा विल कम टू कश्मीर, हम कश्मीर में आ जाएंगे। तो मैंने एक बार दिया था कहीं पे अपना, लिखा था भाई कश्मीर में आके क्या करोगे, अंडर तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर करोगे, जनरल उनके उसी तरीके के फोके जनरल हैं, सिर्फ उनका नंबर बढ़ेगा, लोग मरेंगे। तो ना तो चाइना के जनरल्स इफेक्टिव दिखे हैं, ना पाकिस्तान के जनरल्स इफेक्टिव दिखे हैं। आप हमारे यहाँ कुछ साल में देख लो कि हमारे जनरल्स जो है बड़े इफेक्टिव दिखे हैं। तो इसका बेसिकली अब मुझे लगता है कि जो एक दौर चेंज हो चुका है, एक सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तब तक मैं देखेंगे अपना नेशन, नेशनलिस्ट जो है, आप आइए आपसे बात करें थोड़ी सी। जी हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए, हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। सर ये जो आप हिंदू संसद बनाने का ये आप लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जी, तो हम लोग भी ये राइट टू रिकॉल पार्टी हैं, तो हम लोग भी ऐसा ही कर रहे थे, ये राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड बनाने का ऐसा हमारा भी जी प्रपोजल था, लेकिन वो जो बात आगे ज्यादा बढ़ी नहीं, क्योंकि ज्यादातर ये आरएसएस और आपने जो बताया अभी कि बीजेपी और आरएसएस में जो लड़ाई चल रही है अंदर, तो नहीं, लड़ाई ही हम चल रही, लोग भी लड़ाई ही चल कभी रही। वो, हाँ 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 लड़ाई ही हम है। भी कभी आरएसएस में होते थे, हम ओके लोग भी जो ये नई पार्टी बनाई हमने, हम सभी भी कभी आरएसएस में होते थे, बीजेपी में होते थे, तो हम लोग भी इनसे इसी वजह से अलग हुए। ये आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती कि कौन ऊपर जाएगा कौन ऊपर जाएगा, इस वजह से हमने अच्छा ये छोड़कर हाँ
हाँ जी अच्छा अब बेसिक क्या है कि आपको पहले तो संजीव जी 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद कॉल साहब से आपको बात कराएंगे। संजीव जी पहले इनसे बात करके आप इनकी बात का जवाब दीजिए, फिर आपका जो क्वेश्चन लंबा है ना पहले वो बात करें, फिर आप कॉल साहब से करिए। हाँ जी हाँ जी 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 देखिए, जहां तक संघ की बात है, ये बात सच है कि वहां कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ तो है, ये बात मैं मानता हूं। हाँ जी लेकिन जब कोई संगठन कोई काम नहीं करता तो हमें अपनी राह कुछ चुननी पड़ती है, ठीक है। हाँ जी अब जैसे क्या नाम, कौल साहब हैं, सूद साहब हैं, इनके साथ आप जुड़े हैं, आप आइए क्या नाम इनके साथ काम कीजिए, हम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा आपसे। हाँ जी आप इनके साथ भी जुड़िए ना, आप भी इनके साथ अपने जुड़िए, अगर हो तो नंबर वगैरह एक्सचेंज करिए, फिर इसके बाद कॉल साहब से बात कर, कॉल साहब से भी जुड़िए, क्योंकि देखिए कॉल साहब ने तो एक हेड का काम लिया हुआ है दूसरा, और ये कुछ नीचे वाले काम है, कुछ अंदर के काम है, वो आपको भी लेने पड़ेंगे साथ में। तो एक इनसे आप जुड़िए, जिस तरीके से भी जुड़ सकते हैं, अपना नंबर शेयर कर लीजिए, फिर कॉल साहब आप ब्रीफ कीजिए कीजिएगा इनको। हाँ बिल्कुल। हाँ जी बेसिकली क्या है, मैं यूके में, इंग्लैंड में रहता हूँ, काफी ठीक हूँ। मैंने हाँ मेहनत जी करी है, मैंने ये प्लान किया था हिंदू को जोड़ने का, मेरे मन में प्लान था, 10-40 साल पुराना प्लान है कि मैं इस उम्र पे नौकरी से थोड़ा सा साइड पे हो जाऊंगा, इतने पैसे मैंने जमा किए होंगे और इस लोगों से, ये मेरा एक प्लान था, ये प्लान 1-2 दिन में नहीं बनता, ये 40 साल का प्लान है सर। जब से मीनाक्षीपुरम कन्वर्शन हुए 1982, 81 में, फेब्रुवरी में, मुझे 81 शायद, तो तब से मैं दुखी था, तब से मैंने लोगों से बात करी है, 40 साल हो गए हैं बात करते हुए कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। इसी नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि जब तक टॉप हिंदू संस्थाएं आपस में बात ना करें, एक बोर्ड ना बनाएं, एक हिंदू अकाल तख्त या हिंदू वेटिकन ना बन पाए, एक सेंट्रल कमांड हो, उसमें नॉट ओनली धर्म अधिकारी का काम होता है किताबें पढ़ना, लेकिन हमारा दुश्मन ISI है। जब तक हमारे सूद साहब जैसे लोग नहीं होंगे, आर्मी वाले जैसे लोग नहीं होंगे, वही ये चीज मिलके काम कर सकते हैं हिंदुओं को बचाने की। और जैसे हमारे एक सूद, 1-2 हफ्ते पहले जनरल त्यागी आए, ये कर्नल त्यागी आए थे, वो आर्मी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ मी वॉज थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग्स एंड हैज डन द सेम थिंग्स। ट्रेनिंग, आप जैसे यूथ को ट्रेन करते हैं 2 हफ्ते में, आर्मी की ट्रेनिंग देते हैं, और वो एट द टॉप ही ऑल्सो मीट शंकराचार्य, ही इज टोटली कन्विंस्ड दैट विवेक, जो आपका प्लान है, दैट इज द ओनली प्लान, नथिंग। आप देखो ना, आप एक्सटर्नल ऑडिट कराइए, आप मैकेंजी को लाइए, पावर प्राइस वाटर कूपर को लाइए, उसको मिलियन डॉलर दे दीजिए कि हमको हिंदुइज्म में क्या करना चाहिए, आप बताइए, प्लान बताइए। वो भी यही बोलेंगे, आप लोगों की यूनिटी नहीं है, आप लोगों को टॉप में एक हेडक्वार्टर होना चाहिए, आप लोग जितने भी हिंदू संस्थाएं हैं उनको ज्वाइन, उनको मिलना चाहिए, और गेट स्ट्रेटेजिस्ट लाइक सूद साहब, लाइक आर्मी पर्सनल, तभी हिंदू का कुछ हो सकता है। अदरवाइज हम वी विल बी टॉकिंग टिल द काउज कम होम, वो सब बेकार की बातें करते रहेंगे हम, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और दमदार दमदार जैसे लोग चाहिए, सूद साहब जैसे हो या फ्रेंकोस गौतियार जैसे लोग हों, इस टाइप के लोग चाहिए जो जो बड़े बड़े धर्म अधिकारी से उनको सख्ती से बोलें कि आप ज्वाइन करिए इस संगठन अच्छा में, आपको बातें करनी है, तभी हो पाए।